नमस्कार, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हरिद्वार में माँ मनसा देवी के दर्शन करेंगे। माँ मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पहाड़ पर स्थित है। मंदिर तक आप पैदल भी जा सकते हैं और यदि आप चाहें तो केबल कार, जिसे यहाँ पे उड़न खटोला कहते हैं, उससे भी जा सकते हैं, लेकिन हमने पैदल ही जाना पसंद किया। जब हम पैदल ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे थे तो रास्ते में बहुत ही मासूम सा बच्चा लंगूर को खिलाने के लिए चने बेच रहा था। वो जिस मासूमियत से चने बेच रहा था उसे देखकर हमारे चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। वीडियो देखिए। आपको बताता चलूं कि यहाँ नैनीताल हाई कोर्ट ने बंदरों को कोई भी खाद्य पदार्थ खिलाने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। जब हमारा आधा रास्ता पूरा हो गया तो थकान ऐसे लगने लगी कि लगा कि अगर उड़न खटोले से ही चले गए होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो थके हारे हम एक जगह बैठ करके हरिद्वार की खूबसूरत वादियों को देखने लगे। थोड़ी देर के बाद हमारी थकान पूरी तरह से दूर हो गई और हम एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ माँ के दर्शन करने के लिए आगे चल पड़े। मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और बीच में 12 बजे से 2 बजे के बीच में बंद रहता है। मेरी सलाह माने तो आप वहां सुबह के ही शिफ्ट में दर्शन कर लें, क्योंकि हरिद्वार में सबसे खूबसूरत यहां शाम को गंगा घाट पर आरती होती है, जिसे आपको किसी भी कारण से मिस नहीं करना चाहिए। माँ मनसा अपने नाम के अनुसार ही भक्तों की मनसा, जिसे बोलचाल की भाषा में हम इच्छा कहते हैं, उसे पूरी करती हैं। भक्त यहाँ पेड़ पर धागा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर व्यक्ति अपना बांधा हुआ धागा खोलने के लिए वापस आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो पाना थोड़ा संभव नहीं लगता। कारण ये है कि जब आप धागा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं तो आपके बाद बहुत से लोग आपके धागे के ऊपर धागा बांध देते हैं, और जब कुछ महीनों या सालों के बाद जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है और आप जब अपना धागा खोलने के लिए वापस आते हैं तो उन धागों में अपना धागा ढूंढ पाना असंभव सा काम है। तो लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी एक धागे को खोल देते हैं, चाहे वो किसी ने भी बांधा हो। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माँ मनसा की पूजा यहाँ के आदिवासी किया करते थे, लेकिन आज के समय में हरिद्वार आने वाला हर श्रद्धालु बिना माँ के दर्शन किए अपनी हरिद्वार की यात्रा को अधूरा समझता है। तो आप भी अगर हरिद्वार आते हैं तो माँ मनसा के दर्शन जरूर करें। तो इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं
पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारा सफर आगे भी जारी है। नमस्कार।